लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर हजारों रहवासियों को लाभ प्रदान किया गया है। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के संयोजक अनिल जैन कालूहेड़ा के द्वारा समाज में सेवा का संकल्प लेकर अनेक प्रकल्पों के माध्यम से सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सतत सेवा कार्यों के क्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मालवीय धर्मशाला वृंदावनपुरा में किया गया। लोकमान्य तिलक महाआयोजन समिति के द्वारा लगातार समाज में सेवा के अनेक प्रकल्प चलाए जा रहे हैं जो सतत जारी है। उसी क्रम में वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद गब्बर भाटी, पूर्व पार्षद गजेंद्र सकलेचा, अशोक कायत, विकास मालवी, रोगी कल्याण समिति के सदस्य राजेश बोराना, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सराफ के विशेष प्रयास से सभी प्रकार के रोगों के निवारण के लिए शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में जरूरतमंद लोगों को लाभ मिले इसके लिए शिविर संयोजक गब्बर भाटी, गजेंद्र सकलेचा सहित सभी कार्यकर्ता लगातार नागरिकों से संपर्क स्थापित कर शिविर के माध्यम से जरूरतमंद नागरिकों को किस प्रकार सुविधाएं प्रदान की जा सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सैकड़ों नागरिकों ने शिविर में आकर लाभ लिया है। आज वो कालूहेड़ा वाले के बेगू नाले पर कालूहेड़ा वाले के यहाँ धर्मशाला में आयोजन रखा गया स्वास्थ्य परीक्षण का, मालवी समाज धर्मशाला में। हाँ, मालवी समाज धर्मशाला में दांत आँख स्वास्थ्य का सब बहुत बढ़िया परीक्षण किया गया है। उसमें हमारी जांचें बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और हमको संतुष्टि है उससे। कहाँ से आए? हम नयापुरे से आए, जीवाजीगंज थाने के पीछे से, संतोष भाई जी। लोकमान्य तिलक महायोजन समिति के द्वारा उज्जैन महानगर के अंदर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, उसके अंतर्गत हम प्रत्येक वार्डों के अंदर निःशुल्क चिकित्सा शिविर, उसके अंदर चाहे दांत की जांच हो, चाहे आंखों की जांच हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी अन्य जांच हो, इस सब जांच के डॉक्टरों की टीम और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो आकर के यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं। और इस दिशा में हमारे सभी कार्यकर्ता, इसके कार्यक्रम के समन्वयक भाई जगदीश पांचाल जी, इस कार्यक्रम में जी अशोक कायत जी और सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के अंदर लगे हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और उसके बाद मोतियाबिंद एवं का ऑपरेशन हमारा निःशुल्क कार्यक्रम है और उसकी सेवा हम निःशुल्क देंगे। और जिनको भी चश्मा लगना है वो 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कार्यक्रम के अंतर्गत उनको चश्मा हम निःशुल्क देंगे। चश्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारे पास एकत्रित हो रहे हैं। और भी अन्य यदि हमारे क्षेत्र के पार्षद साथीगण, हमारे क्षेत्र के निवासी, जिनको भी यदि जानकारी आती है कि चश्मे की आवश्यकता है, तो वो चश्मे के नंबर सहित यदि डॉक्टरों के कार्ड हमें उपलब्ध कराएंगे तो उनको भी, और उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएंगे तो उन तक भी हम चश्मा पहुँचाने का, हम उनको भी बुलाएंगे और उनको भी चश्मा देने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस शहर के अंदर निरोगी रहें।